हाय गाइस, सीएस वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, जैसा कि आपको पता है, हम लोग 11th क्लास के कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं। और दोस्तों, 11th क्लास के कंप्यूटर का ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है, और चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को हम लोग पढ़ रहे हैं। और कल हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया था। और दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा पार्ट 2 है चैप्टर नंबर 2 का। तो दोस्तों, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर चैप्टर के अंदर कल के वीडियो में हमने 3-4 पॉइंट को क्लियर किया था, जिसमें हमारा पहला पॉइंट था व्हाट इज सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर के बारे में हमने सारी जानकारी आपको दी थी कल वाले वीडियो में। और गाइस, इसके अलावा हमने जाना था व्हाट इज हार्डवेयर, तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, हार्डवेयर क्या होता है, इन दोनों चीज़ों को कल के वीडियो में हमने क्लियर किया था। तो गाइस, अगर आप कल वाला वीडियो देखना चाहते हैं या फिर इस चैप्टर से रिलेटेड आगे जो वीडियोज आने वाले हैं उनको देखना चाहते हैं, तो उसके लिए आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में चले जाना, वहाँ पर आपको इस चैप्टर का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। उस चैप्टर के प्लेलिस्ट पर क्लिक करके आप इस चैप्टर से रिलेटेड सारे वीडियोस को, सारे ट्यूटोरियल्स को एक सीरियल से देख सकते हैं। आपको सारे वीडियोस सीरियल से लगे हुए मिल जाएंगे, तो आप हर एक पार्ट को अच्छे से पढ़ सकते हैं। बहुत डिटेल में आपको बताया था, बहुत अच्छा सा वीडियो था, एक बार जरूर से देखिएगा। उसके बाद में गाइस, हमने जाना था डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में क्या डिफरेंस होता है, इन दोनों के बारे में हमने डिफरेंस भी जाना था। उसके बाद में हमने जाना था एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर के एग्जांपल और हार्डवेयर के एग्जांपल, दोनों के एग्जांपल्स भी मैंने आपको बहुत सारे बताए थे, तो आई होप आपको सारा कुछ अच्छे से क्लियर होगा। और गाइस, उसके बाद में आज के इस पार्ट नंबर 2 में हम क्या जानेंगे, टाइप्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर होता है, जो हार्डवेयर होता है, इन दोनों के टाइप्स को क्लियर करेंगे। और दोस्तों, उसके बाद मैं आपको बता दूँ, कल से जो वीडियोज़ आएंगे वो मैं आपको सेपरेट सेपरेट वीडियो प्रोवाइड करूँगा, जैसे प्रिंटर क्या होता है, प्रिंटर के टाइप्स, प्रिंटर के एग्जांपल्स, प्रिंटर कैसे कार्य करता है। इसके अलावा अगले हार्डवेयर के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे, जैसे मॉनिटर क्या होता है, मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं और मॉनिटर कैसे वर्क करता है। उसके बाद में जानेंगे माउस कितने प्रकार के होते हैं, माउस क्या होता है। उसके अगले वीडियो में जानेंगे कीबोर्ड क्या होता है, कीबोर्ड कैसे काम करता है, कीबोर्ड के बटनों के बारे में। तो हर एक डिवाइस के बारे में बहुत डिटेल्स में जानेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा उन लोगों के लिए जो कंप्यूटर बेसिक्स को क्लियर करना चाहते हैं, कंप्यूटर हार्डवेयर को समझना चाहते हैं, वो कैसे कार्य करते हैं उसको अच्छे से समझना चाहते हैं। जैसे कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी होती है, कैसे काम करती है, कंप्यूटर का जो SMPS होता है कैसे काम करता है, CPU कैसे काम करता है, तो बहुत डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही लेना, वरना आप बहुत सारी जानकारी मिस कर जाओगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जानते हैं टाइप्स ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इनके टाइप्स को क्लियर करने के लिए हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं हार्डवेयर के टाइप्स के बारे में। तो गाइस, हार्डवेयर बहुत तरीके के होते हैं, लेकिन अगर हम इसको क्लासिफाई करते हैं तो आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। जैसे दोस्तों, यहाँ पर हार्डवेयर के टाइप में एक टाइप होता है कंप्यूटर सिस्टम। वेल, कंप्यूटर सिस्टम क्या होता है, कल के वीडियो में बहुत डिटेल्स में बताया था। चलिए एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कंप्यूटर सिस्टम किसे कहते हैं। वैसे दोस्तों, एक नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम होता है और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड अच्छा सा, एक अच्छा खासा कंप्यूटर सिस्टम होता है। तो एक जो नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम होता है वो कैसा होता है, आप एक मॉनिटर रख लीजिए या एक LCD पैनल रख लीजिए, उसके साथ में एक CPU लगा दीजिए और कीबोर्ड माउस लगा दीजिए, स्पीकर लगा दीजिए, तो ये आपका कंप्यूटर सिस्टम हो गया, इस पर आप अपने कार्य कर सकते हैं। तो ये एक नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम हो गया। लेकिन जो एक प्रोफेशनल होता है, जो एक वेल मैनेज्ड होता है, उस कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होता है पता है, उसके अंदर कीबोर्ड होता है, माउस होता है, प्रिंटर भी होता है, जॉयस्टिक होता है और इसके साथ में स्कैनर होता है। तो जितने भी डिवाइसेस होते हैं, माइक्रोफोन होता है, तो ये सारे डिवाइसेस जब एक साथ कनेक्ट होते हैं तो उसको कहते हैं कि भाई ये एक अच्छा सा कंप्यूटर सिस्टम है, ये वेल मैनेज्ड है, या कहते हो ये पूरा कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम है। इसको भी आप यूज कर सकते हैं, इसको भी आप यूज कर सकते हैं, इसमें जब सारे हार्डवेयर लगे होते हैं तो ये बहुत अच्छा सा, या कहते हैं कंप्लीट कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है, और ये हमारा नॉर्मल कंप्यूटर सिस्टम कहलाता है। तो काम तो दोनों करते हैं, बट इसमें कुछ विशेषताएँ मिल जाते हैं क्योंकि इसमें हार्डवेयर ज़्यादा हो जाते हैं। तो इसी तरीके से हम इसको क्लासिफाई करते हैं। तो चलिए जानते हैं। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर सिस्टम के बारे में, तो कंप्यूटर सिस्टम के अंदर कौन कौन से हार्डवेयर आते हैं, जैसे हमारा कीबोर्ड है, माउस है, प्रिंटर है, जॉयस्टिक है, स्कैनर है, इसके अलावा CPU है, SMPS है, मदरबोर्ड है और मॉनिटर स्क्रीन है। तो ये सारे जो हार्डवेयर आते हैं इनको हम कहते हैं कि कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर हैं। और लाइक इसके अलावा हम बात करते हैं CPU मॉनिटर। तो गाइस, CPU एक हार्डवेयर होता है। अब CPU के अंदर क्या क्या होता है कि आप जानते हैं, एग्जांपल के लिए जैसे दो पार्ट होते हैं CPU के, एक होता है मदरबोर्ड वाला पोर्शन, एक होता है SMPS का पोर्शन। तो गाइस, SMPS के अंदर क्या होता है, उसके अंदर एक कूलिंग फैन लगा होता है, उसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा होता है, एक रेक्टिफायर लगा होता है, कैपेसिटर्स लगे होते हैं, डायोड लगे होते हैं, ट्रांजिस्टर्स लगे होते हैं, तो ये सारे डिवाइसेस लगे होते हैं, तो ये भी तो हार्डवेयर है ना।
और इसके अलावा सीपीयू का एक दूसरा पार्ट होता है मदरबोर्ड वाला पोर्शन। बसेस होते हैं, रजिस्टर्स होते हैं, केबल्स होते हैं, इसके अलावा डायोड होते हैं और उसके अंदर बहुत सारी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, हार्ड डिस्क लगा होता है और सीपीयू लगा होता है और हीट सिंक लगे होते हैं। तो सारे डिवाइसेस होते हैं, बहुत सारे डिवाइसेस, तो इन सभी को हार्डवेयर ही तो कहते हैं। उसके बाद में बात करते हैं स्टोरेज और मेमोरी। तो गाइस स्टोरेज मेमोरी ये भी तो हमारे कंप्यूटर के हार्डवेयर होते हैं। तो एग्जांपल के लिए जैसे स्टोरेज की अगर हम बात करें तो स्टोरेज में जैसे हमारा हार्ड डिस्क होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है और आजकल मार्केट में एक नया आया है डिवाइस, वो बोलते हैं उसको सॉलिड स्टेट ड्राइव SSD। और इसके अलावा हमारी कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि CD है, DVD है, पेन ड्राइव है, मेमोरी कार्ड है, ये सारे कौन सी डिवाइसेस हैं? ये सारे हमारे स्टोरेज डिवाइसेस हैं, ये हमारी स्टोरेज डिवाइस कहलाते हैं। इसके अलावा मेमोरी, कंप्यूटर में मेमोरी दो प्रकार की होती है, एक होती है प्राइमरी मेमोरी, एक होती है सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी जैसे रैम और रोम, ये जो रैम और रोम है ये भी तो हार्डवेयर हैं, तो इनको भी हम हार्डवेयर बोलते हैं। और जो हमारी हार्ड डिस्क फ्लॉपी SSD वगैरह ये भी हार्डवेयर है, तो ये मेमोरी के हार्डवेयर हो जाते हैं। इसके अलावा नीचे लिखा है इनपुट डिवाइसेस, तो इनपुट डिवाइसेस के कौन से हार्डवेयर होते हैं जरा बताना। तो ऐसे इनपुट डिवाइसेस में हमारे जैसे कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है, तो ये जो डिवाइसेस होते हैं ये हमारे इनपुट डिवाइस होते हैं, ये भी हार्डवेयर के एग्जांपल होते हैं। इसके अलावा बात करें आउटपुट डिवाइस की, तो आउटपुट डिवाइसेस में जैसे हमारा मॉनिटर है, इसके अलावा प्रिंटर है, स्पीकर है, तो ये सारे भी तो हार्डवेयर होते हैं, तो ये भी हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर के टाइप होते हैं। तो ये सारे हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर टाइप्स हैं, आपको बहुत डिटेल्स में बता दिया है, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए गाइस इसके बाद में बात करते हैं सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में। तो गाइस कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं, आपको ये तो पता ही होगा, लेकिन सॉफ्टवेयर भी बहुत सारे टाइप्स के होते हैं, कई प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। तो अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपने ये तो पढ़ा ही होगा कि कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर बेसिकली तीन टाइप के होते हैं, जो आपको बताया जाता है ना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो गाइस ये जो सॉफ्टवेयर होते हैं, इन दोनों सॉफ्टवेयर को, सिस्टम को और एप्लीकेशन को, ये दोनों सॉफ्टवेयर के मेन टाइप कहलाते हैं। तो गाइस जब हम लोग सॉफ्टवेयर के टाइप्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर दो कंडीशंस होते हैं, एक कंडीशन होते हैं कि जो मेन टाइप्स होते हैं सॉफ्टवेयर के, तो मेन टाइप्स की अगर हम बात करते हैं तो मेन तो दो ही होते हैं, एक होता है हमारा सिस्टम, एक होता है एप्लीकेशन। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें जनरली सॉफ्टवेयर के कितने टाइप होते हैं, तो जनरली सॉफ्टवेयर के तीन टाइप होते हैं, एक होता है हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो हमेशा आपको ध्यान रखना है जब भी बात करते हैं सामान्यता सॉफ्टवेयर के प्रकार, तो सामान्यता तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है सिस्टम, एक होता है एप्लीकेशन, एक होता है यूटिलिटी। और जब हम बात करते हैं सॉफ्टवेयर मेनली टाइप, सॉफ्टवेयर के मुख्य प्रकार, तो मुख्य प्रकार दो होते हैं, एक होता है सिस्टम, एक होता है एप्लीकेशन। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो सॉफ्टवेयर दिए गए ना, तीनों सॉफ्टवेयर, तो इन तीनों के भी काफ़ी सारे पार्ट होते हैं, चलिए मैं आपको बता देता हूँ ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। तो गाइस जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर के तीन टाइप होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर तीन प्रकार का होता है, एक होता है हमारा सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर, एक होता है सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। तो अभी मैंने आपको बताया सॉफ्टवेयर तीन प्रकार के होते हैं, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी। और अगर हम बात करें सिस्टम सॉफ्टवेयर की, तो सिस्टम सॉफ्टवेयर के भी तीन टाइप होते हैं, एक होता है सिस्टम मैनेजमेंट, सिस्टम डेवलपमेंट और सिस्टम सपोर्ट। तो अगर हम बात करें सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो सिस्टम मैनेजमेंट ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो हमारे कंप्यूटर के समस्त हार्डवेयर को, सारे हार्डवेयर को कंट्रोल और ऑपरेट करते हैं, उसको कहते हैं कि ये सिस्टम मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर है, या कहते हैं सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है ऑपरेटिंग सिस्टम। इसके बाद में सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो दूसरा टाइप है, सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के कुछ फीचर्स को यूटिलाइज कर देते हैं, या कह सकते हैं कि कंप्यूटर को कैसे कस्टमाइज कर सकते हैं, उसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, उसको कैसे और भी पर्सनलाइज कर सकते हैं। तो ये सब काम करने वाले सॉफ्टवेयर को सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप अपने कंप्यूटर में वॉलपेपर चेंज करते हैं, या कई बार आपने देखा होगा आपका जो कर्सर होता है, जो माउस एरो होता है ना, उसको भी हम चेंज कर देते हैं, उसका जो शेप होता है चेंज कर देते हैं, उसको पॉइंटर बना देते हैं, उसको पेन बना देते हैं, एरो से उसको हम कुछ और बना देते हैं, मतलब उसका आइकन चेंज कर देते हैं, या जो फोल्डर होते हैं उनके आइकन चेंज कर देना, नई थीम लगाना और विजेट सेट करना, तो ये सारे जो काम होता है ये सिस्टम सपोर्ट सॉफ्टवेयर करता है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। और गाइस इसके बाद में सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो तीसरा टाइप है, सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, तो गाइस सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर को कहा जाता है जो सॉफ्टवेयर अपने फीचर्स का इस्तेमाल करके अपने से ही नए सॉफ्टवेयर को डेवलप कर देते हैं।
या कहें तो पुराने सॉफ्टवेयर की सहायता से नए सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर देते हैं, तो उनको कहते हैं सिस्टम डेवलपमेंट सॉफ्टवेयर। एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे हमारे कंप्यूटर में लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम्स होते हैं, तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर प्रोग्राम को हिंदी में भाषा अनुवादक प्रोग्राम कहा जाता है। और ये तीन प्रकार के होते हैं, ये भी तीन प्रकार के होते हैं, एक होता है असेंबलर, एक होता है कंपाइलर, एक होता है इंटरप्रेटर। तो अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हैं तो आपने प्रोग्रामिंग करी होगी। अब प्रोग्राम बनाते हैं ना, तो आपने देखा होगा जो हमारा प्रोग्राम बनाया जाता है, जो हम लोग कोड लिखते हैं, तो वो कोड एग्जीक्यूट करते हैं, उस कोड से हम कोई काम कराते हैं, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। तो वो जो एग्जीक्यूट होने के बाद जो आपका आउटपुट आता है वो एज अ सॉफ्टवेयर वर्क करता है ना, तो वो तो एक नया सॉफ्टवेयर बनता है। उसको हम कमांड देते हैं कि भाई ऐसा ऐसा करना है और आउटपुट में ऐसा देना है, तो वो एक सॉफ्टवेयर की तरह कार्य करता है। और वो सॉफ्टवेयर की तरह कार्य करता है, वो नया सॉफ्टवेयर बनता है। और वो जो आप कोड लिखते हो ना, वो किसी सॉफ्टवेयर पर ही तो लिखते हो, तो वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो बेस सॉफ्टवेयर होता है, या उसको पेरेंट सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। और जो आपका नया सॉफ्टवेयर बना उसको हम बोल सकते हैं कि हमारा चाइल्ड है, या हमारा ड्राइव सॉफ्टवेयर है, या नया सॉफ्टवेयर है। तो इस तरीके से सिस्टम सॉफ्टवेयर के तीन टाइप होते हैं, सिस्टम मैनेजमेंट, सिस्टम सपोर्ट और सिस्टम डेवलपमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके बाद में गाइस बात करते हैं दूसरा जो टाइप था हमारा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टू टाइप्स होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक होता है हमारा स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो जनरल पर्पज और स्पेशल पर्पज क्या होता है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस अगर हम बात करें जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, तो जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जो किसी जनरल काम के लिए बनाए जाते हैं, किसी जनरल पर्पज के लिए बनाए जाते हैं, या कहें तो किसी छोटे मोटे सामान्य से कार्यों को करने के लिए बनाए जाते हैं, उनको कहते हैं ये जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ, जैसे हमारा एमएस ऑफिस आपने यूज किया होगा, तो एमएस ऑफिस के अंदर आप क्या करते हैं, उसके अंदर आप डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं, उसको कस्टमाइज कर देते हैं, एडिट करते हैं, उसके अंदर आप टेक्स्ट एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, उसके अंदर आप पिक्चर्स इंसर्ट कर सकते हैं, एनिमेशन का यूज कर सकते हैं, एनिमेशन और प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो जो हमारा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, एमएस ऑफिस सॉफ्टवेयर है, ये किस कैटेगरी का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जनरल कैटेगरी का, सामान्य उद्देश्य। क्यों ऐसा, इसलिए क्योंकि इसके अंदर हम बहुत तरीके का कार्य कर सकते हैं, कई प्रकार के कार्य कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन बना सकते हैं, एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट बनाते हैं, और इसके अलावा पीपीटी बना सकते हैं, तो बहुत सारे कार्य होते हैं ना, इसीलिए इसको बोलते हैं ये जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके बाद में अगर हम बात करें स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, तो गाइस स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर्स को कहा जाता है जो सॉफ्टवेयर किसी स्पेशल काम को करने के लिए बनाए जाते हैं। अब स्पेशल काम कैसा होता है, तो स्पेशल काम का मतलब एक दो काम कर सकता है, मतलब मैक्सिमम एक दो काम कर सकता है ऐसा सॉफ्टवेयर। एग्जाम्पल के लिए जैसे वीडियो एडिटर्स होते हैं, तो वीडियो एडिटर होता है उसके अंदर आप क्या करते हो, वीडियो एडिटिंग करते हो, उसके अंदर आप फोटो एडिटिंग नहीं कर सकते। हालांकि फोटो एडिटिंग कर सकते हो, उसमें आप कलर इफेक्ट चेंज कर सकते हो, थोड़ा बहुत एनिमेशन कर सकते हो, फोटो इंसर्ट कर सकते हो, लेकिन वहाँ पर उसका मेन जो पर्पज होता है ना, वो वीडियो को एडिट करने के लिए होता है, वो वीडियो एडिटर होता है। अच्छा मैं आपको एक और एग्जांपल दे देता हूँ स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। जैसे आप अपने स्मार्टफोन में ट्रांसलेटर यूज करते होगे, जो ट्रांसलेटर होता है ना, जिसमें आप हिंदी में टेक्स्ट लिखते हो वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता है, और इंग्लिश में लिखते हो उसको हिंदी में कर देता है, तो वो हमारा स्पेशल पर्पज का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। उसके अंदर आप एक ही कार्य कर सकते हो। अच्छा जैसे आपके कंप्यूटर में, आपके स्मार्टफोन में कैलकुलेटर होता है, तो कैलकुलेटर जो सॉफ्टवेयर होता है वो स्पेशल पर्पज का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। उसके अंदर आप कैलकुलेशंस कर सकते हो, केवल एक ही काम कर सकते हो कैलकुलेशंस, उसके अंदर आप गेम नहीं खेल सकते। तो इस तरीके से हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, या कहें तो स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को डिफाइन कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में गाइस हमारा जो तीसरा टाइप था सॉफ्टवेयर का, जो है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। तो ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर हमारे कंप्यूटर के अंदर ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कंप्यूटर के फीचर्स को इन्हेंस कर देते हैं, या कहें तो कंप्यूटर को थोड़ा सा एडवांस बनाने में सहायक होते हैं। इनका इस्तेमाल करके हम अपने कंप्यूटर को थोड़ा इन्हेंस कर सकते हैं, लेवल अप कर सकते हैं। बट दोस्तों यहाँ पर एक कंडीशन होती है कि अगर आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं तो भी आपका कंप्यूटर प्रॉपर वर्क करेगा। अगर आप चाहें तो अपने कंप्यूटर में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें, चाहें तो ना करें, आपके कंप्यूटर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपका कंप्यूटर इसके बिना भी चलेगा और इसके साथ भी चलेगा, लेकिन अगर इसके साथ चलेगा तो ये फीचर्स को थोड़ा इन्हेंस कर देता है। अगर हम बात करें इसके एग्जाम्पल्स के बारे में, तो इसका जो एग्जाम्पल जैसे हमारे एंटीवायरस होता है ना, एंटीवायरस एक ऐसा प्रोग्राम होता है जो हमारे कंप्यूटर में आने वाले वायरस को रोकता है, या उनको मिटाने का काम करता है, उनको डिलीट करता है। तो अगर आपके कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस पड़ा है तो ये आपके कंप्यूटर के लिए एक प्लस पॉइंट हो जाएगा कि आपके कंप्यूटर में एंटीवायरस पड़ा है। अगर कोई वायरस आएगा तो वो इसको स्कैन करके रिमूव कर देगा। लेकिन अगर आप कंप्यूटर के अंदर एंटीवायरस का यूज़ ना करें तो भी कोई इशू नहीं है, आपका कंप्यूटर प्रॉपर वर्क करेगा।
तो गाइस कुछ इस तरीके से हम अपने कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर को क्लासीफाई कर सकते हैं, उसको डिवाइड कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो फिलहाल दोस्तों आज के इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपके मन में कंप्यूटर या इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो ऐसे में आप कमेंट कर सकते हो। हम आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार करते हैं, तो कमेंट कर देना अगर आपके मन में कोई सवाल हो तो। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखते रहिए दस वाला, हम मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।